So we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. Teen mahatvapurna karan hai. Pehla karan economy, dusra karan economy aur teesra karan bhi economy. Jise gehra sankat tax ya Gabbar Singh tax ke naam se aaj deshvasi jante hain. Roti ho, kapda ho, makan ho, har cheez pe GST laga lagakar humne is desh ke inflation par bhi GST laga diya. Sari cheeze mehengi ho gayi. 82 rupaye 100 में से 18 हटा दीजिए, 82 रुपए डिविजिबल पूल में जाता है जो राज्यों में बांटा जाता है, 18 रुपए सीधा सरकार की जेब में जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि सेस और सरचार्ज की या तो इस प्रथा को बंद करें या वो भी डिविजिबल पूल में डालकर स्टेट्स के साथ बांटे। श्री राघव चड्ढा जी, सर आमतौर पर देखा जाता है 20 मिनट्स सर आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। दे हैव मैनेज टू डिसप्लीज ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। इनफैक्ट सर, भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक भी, अपने वोटर भी इस बजट से बेहद निराश हैं। सर बजट 2024 में अगर आप सर इनको मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आई यू वांट मी टू यील्ड, मैं बैठ जाता हूं सर। आप बैठो, आई विल आप बोलने दो। माननीय सदस्य, आप बोलो ना। माननीय सदस्य, क्या प्रॉब्लम? कृपया बैठे, बैठो, क्या बैठ जाए, बैठो आप, प्लीज बैठे, आप बोलिए थोड़ा, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2-2.5 रुपए GST आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर आज सर मैं अपने इस भाषण को सर दो भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा, और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, देश की जनता ने उन सीटों पर 18% GST लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर इसके कई कारण बताए जाते हैं, कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी कारण है, मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकॉनमी, दूसरा कारण है इकॉनमी, और तीसरा कारण भी है इकॉनमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं, बोलने दीजिए सर, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी आपस में बात नहीं करें, माननीय राघव चड्ढा जी ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा। बोलिए सर, बजट पे आप बोलो, आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा। सर पहला कारण, सर मैं बैठ जाता हूं, सर इनको चिल्लाने दीजिए, मैं बैठ जाता हूं। माननीय सदस्य बैठिए, जब आपका समय आए तो आप बता देना दिल्ली में कैसे आ रहे, अभी उनको बोलने दीजिए, बोलिए बंद, अभी उन्होंने बना दिया, बोलिए। सर पहला कारण हार का है रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर भारत की 60% से ज्यादा आबादी सर गांव में बसती है, लेकिन आज सर आप सर ये ठीक नहीं है सर, इनकी तबीयत खराब है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इनकी तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनकी तबीयत खराब है क्या सर? आज
आप बैठिए, बैठ जाए मनुष्य, कृपया बैठे, बैठ जाए मन, कृपया बैठे, बैठिए बैठिए बैठिए। आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब मत करें, इनको बोलने दें, आपको बोलने का अवसर मिलेगा, अब इनको बोलने दें। हाँ सर, मैंने 2.5 मिनट बोला, उसमें 5 बार इन्होंने इंटरप्ट किया, मैं अपना समय सूद समेत इनसे वसूलूंगा। सर सर मैं आगे चलता हूं। सर इस देश में ये सर, ब्याज, पहला ब्याज, मेरा कारण था ब्याज की आदत ठीक नहीं है सर, रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर आज राइजिंग रूरल इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप यील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते ये आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय वर्ष 23-24 में डेकेडल लो पे है, डेकेडल लो पे। और सर इसी के साथ साथ किसानों की आय दुगना करने का वादा था, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने का वादा था, वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो आलम यह है सर कि पिछले 25 महीने लगातार रियल रूरल वेजेस डिक्लाइन पर हैं लगातार। और इसके साथ साथ यूपीए के दौरान, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान फार्म वेजेस में 8.5% का इजाफा देखा गया था, एनडीए 1 के दौरान 3% और एनडीए 2 के दौरान -0.6% का इजाफा देखा गया, यानी कि रूरल वेजेस गिरती जा रही। सर मैं इसे साधारण भाषा में समझाता हूं। सर सर 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 केजी अरहर की दाल खरीद सकता था। सर सर आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 केजी अरहर दाल खरीद पा रहा है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। इसका नतीजा क्या हुआ सर? इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर घटा रूरल एरियाज में 5%, भाजपा का वोट शेयर घटा, इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं, यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है। सर सर दूसरा मेरा जो आज देश में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी ये चुनावों में दशा हुई, उसका है फूड इन्फ्लेशन। सर थाली का बजट बिगड़ गया। सर आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पे महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है और लगातार इस देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 9 से 9.5% के लगभग आसपास फूड इन्फ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिसमें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कर रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर आटा 2014 में 21 रुपए प्रति केजी बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था वर्ष 2014 में, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है। सर देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति केजी पे बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति केजी बिकता है। अरहर की दाल 80 रुपए प्रति केजी बिका करती थी 2014 में, आज 230 रुपए प्रति केजी बिक रही है और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर। और अगर यही रफ्तार रही महंगाई की तो जितनी रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं, उससे तेज रफ्तार से 240 से 120 पर आएंगे सर ये लोग। सर थर्ड रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। सर इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। और CMAI की रिपोर्ट ये बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर ऑर्गेनाइज सेक्टर की इस देश में 9.2% है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात ही भूल जाइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट दर 9.2% है। और हम लोग अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेस को किस कागार पे लाकर खड़ा कर दिया है उसका आलम देखिए सर। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में पीएन की पोस्ट के लिए 368 नौकरियां निकली, 23 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन पत्र दिए। इंडियन रेलवेज के ग्रुप डी एम्प्लॉयज में 63,000 पोस्ट निकली, उसके लिए 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए, 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है सर। सर 9,900 कांस्टेबल पोस्ट
बिहार पुलिस निकालती है उसके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं। और सर सारी चीजें छोड़िए, महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में 12 वेटरों को भर्ती करने के लिए जब आवेदन पत्र मांगे गए तो 7,000 लोगों ने आवेदन पत्र दिए, जिसमें कई पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे। सर यह बेरोजगारी का आलम है। चौथा, की सेक्टर स्टैग्नेशन। जितने की सेक्टर्स हैं इस देश में, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रेड हो, जो इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते, उसमें एक स्टैग्नेशन आता जा रहा है। और इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो लगातार घटती जा रही है। और मुझे बताते हुए दुख है कि न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वित्तीय वर्ष 24-25 के पहले क्वार्टर में 25-year लो पर आ खड़ी है, यानी कि निवेश नहीं कर रही है इंडस्ट्री आज भारत देश की। सर पांचवा कारण है गिरती हुई पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। देश के 12 राज्यों में लगातार पर कैपिटा इनकम घटी, उन 12 में से 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी घटा। छठा कारण, डिक्लाइन इन फाइनेंशियल सेविंग्स एंड राइजिंग डेट बर्डन ऑन द इंडियन हाउस होल्ड, यानी कि एक औसतन भारतीय परिवार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी सेविंग्स घटती जा रही हैं। फाइनेंशियली हम लोग फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने खुद कहा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट खातों में से सेविंग्स गायब होती नजर आ रही हैं। हमारा नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू GDP रेशियो वो घट रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स वो घट रही हैं, और लगातार सेविंग्स में डिक्लाइन देखा गया। और मैं सिर्फ बुराई नहीं करना चाहता, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं आने वाले अपने भाषण के भाग में 8-10 महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार के लिए लाया हूं, देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव, इंडेक्स मिनिमम वेजेस विद इन्फ्लेशन, यानी कि न्यूनतम मजदूरी आय को बढ़ती महंगाई के साथ जोड़िए। मैम इन्फ्लेशन इरोड्स परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन वो महंगाई वो दीमक है जो आपकी परचेजिंग पावर आपकी संपत्ति को खा जाती है। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जैसे बेल्जियम जैसे देशों ने ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस लागू किया है, उसी प्रकार हमारे देश में भी मिनिमम वेजेस की ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन होनी चाहिए। और यहां मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस दिल्ली में देने का काम किया। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव, रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान की कमाई नहीं होगी, किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इससे प्राइस वोलेटिलिटी से किसान बचेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसान को मिलेगी और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहेगी। मेरा तीसरा सुझाव, लीगल गारंटी टू MSP इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात सुनते सुनते कि हम लागू करेंगे मेरे भी बाल पक गए हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। मैडम मैं बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रेविजेस द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे को खा जाता है इन्फ्लेशन। इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग खुश हैं आज कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेब पे डाका डालने जैसा है। मैडम फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा, वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई उसकी वैल्यू, और आज वो मकान जो 1 करोड़ का आपने 2001 में खरीदा था वो आज 4,17,00,000 रुपए का हो गया। अब दो सिनेरियो हैं, एक इंडेक्सेशन का सिनेरियो जिसमें आप बेचें उस पर टैक्स लगे, और एक नया सिनेरियो जिसमें आप उसे बेचेंगे तो नई रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। मैं पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से, इंडेक्सेशन वाले सिस्टम के हिसाब से उस पर कितना टैक्स लगेगा वो आपको बताना चाहता हूं। आज वो मकान जो आपने वर्ष 2001 में 1 करोड़ का खरीदा था वो आप 4,17,00,000 रुपए का बेचती हैं, तो आपकी सेल प्राइस 4,17,00,000, लेकिन आपकी परचेस प्राइस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स परचेस प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3,60,00,000 के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो 54,00,000 रुपए होता है। उस 54,00,000 रुपए पर
20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है, यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। मैं राउंड ऑफ करके 11 लाख रुपए कहता हूं। लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4,17,00,000, कॉस्ट प्राइस 1,00,00,000, मुनाफा 3,17,00,000, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1,00,00,000 का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4,17,00,000 का, तो आपको लगभग 40,00,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11,00,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29,00,000 रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1,00,00,000 रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ना हटाएं, और आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं, अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो 3 चीजें होने जा रही हैं इस देश में। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और थर्ड थिंग जो इस देश में होने जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है अगर आपने ये इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया। मेरा पांचवा सुझाव सरकार को, फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए, डेट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और खास करके जो 24 से 36 महीने से अधिक लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करिए, टैक्स मत करिए, पीनलाइज मत करिए। और मैं कहूंगा आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स अबॉलिश करने के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ कम करना चाहिए। छठा मेरा सुझाव, रिव्यू, रिवाइज एंड सिंप्लीफाई जीएसटी। जीएसटी जिसे गहरा संकट टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स के नाम से आज देशवासी जानते हैं, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हर चीज पे जीएसटी लगा लगा कर हमने इस देश के इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लगा दिया, सारी चीजें महंगी हो गई। मेरा सुझाव है सरकार से कि इस जीएसटी के पूरे फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर रिवाइज करिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जीएसटी कम करिए ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव बन सकें, एसएमई सेक्टर जो नौकरियां देता है, छोटे उद्योग हैं, उसमें जीएसटी कम करिए, और एसेंशियल कमोडिटीज दूध, दही, चावल, रोटी, चावल, आटा, उस पर कम से कम जीएसटी विड्रॉ करिए। मेरा सातवां सवाल, सातवां मेरा सुझाव, गिव मोर टू स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की जेब में थोड़ा पैसा डालिए। कोलिशन पॉलिटिक्स के कंपल्शन आप सब समझते हैं कि आपको बिहार को, आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा देना था, लेकिन उन राज्यों ने जिन्होंने आपको भरपूर वोट दिया, गुजरात ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, जिन लोगों ने अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें आपकी झोली में डाल दी, उनसे क्या गलती हुई? उन राज्यों को आपने दिया एक एक झुंझुना और बाकी दो राज्यों को पे सब कुछ लौटा दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, ये गुहार में लगाना चाहूंगा। और इस सरकार को एक बुरी आदत है सेस और सरचार्ज लगाकर पैसा वसूलने की। सेस और सरचार्ज वो टैक्स है सरकार का जिसे उन्हें राज्यों के साथ बांटना नहीं पड़ता, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता, इसीलिए सरकार सेस और सरचार्ज लगा लगा कर आम आदमी से पैसा वसूलती है। मैडम, अगर केंद्र सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 18 रुपए सेस और सरचार्ज के जरिए कमाती है, यानी कि मात्र 82 रुपए, 100 में से 18 हटा दीजिए, 82 रुपए डिविजिबल पूल में जाता है जो राज्यों में बांटा जाता है, 18 रुपए सीधा सरकार की जेब में जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि सेस और सरचार्ज की या तो इस प्रथा को बंद करें या वो भी डिविजिबल पूल में डालकर स्टेट्स के साथ बांटें। मेरा आठवां सुझाव, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो राज्यों के लिए बंद कर दिया गया है उसे कम से कम 5 साल और दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, जिनकी अर्थव्यवस्था आज जीएसटी कॉम्पनसेशन के पैरों पे खड़ी हुई है, जो आज हमारे बजट का 10-15% हिस्सा इनकम का जीएसटी कॉम्पनसेशन से आता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कम 5 साल और जीएसटी कॉम्पनसेशन देकर इन राज्य सरकारों की मदद की जाए। और अंत में बस मैं यही अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा मैडम, कि इस बजट ने टैक्स बढ़ा बढ़ाकर इस देश के आम आदमी के खून चूसने का काम किया। मैं अनुरोध करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस पूरी व्यवस्था पे एक बार फिर से गौर फरमाया जाए। जो मैंने शुरुआत में कहा था उसे दोहराऊंगा, हम 10 रुपए अगर कमाते हैं तो उस पर 3-3.5 रुपए इनकम टैक्स लगता है, उस पर 2-2.5 रुपए जीएसटी खा जाता है, 1.5 रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लगता है,
आधे पैसे का सरचार्ज और सेस लगता है, यानी कि 10 रुपए में से 6-7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7-8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है, मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है और उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं और उसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना ट्रांसपोर्ट, ना हेल्थ केयर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसे जैसे और बड़े बड़े विकसित देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई टैक्स रिजीम्स मानी जाती हैं उनमें नागरिकों को सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बदले में दिल्ली में, हिंदुस्तान में, देश भर में कोई ऐसी सुविधा केंद्र सरकार नहीं देती है। इसीलिए ये कहा जाता है दैट वी इम्पोज टैक्सेस लाइक द यूरोपियंस डू टू गेट सर्विसेज लाइक सब सहारन कंट्रीज। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस टैक्स फ्रेमवर्क को डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.